दोस्तों, आज की इस वीडियो में रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल्स का पार्ट 3 डिस्कस करने वाली हूँ और इसी कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझने के लिए अगर आप उस पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। इतना सारा रूल्स जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए और इंग्लिश के ग्रामर जो है वो वाला पार्ट में सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट आता है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारे रूल्स जो है सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रूल नंबर 8, कुछ नाउंस वर्ड ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल उसके इनसाइड वाले वबल को चेंज करके बन जाता है, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए उसके इनसाइड वाले वबल को चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। अब इनसाइड वबल मतलब अंदर वाला वबल, यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच वाला जो वबल है उसको चेंज कर दिया जाता है, तभी वो प्लूरल के फॉर्म में आ जाता है। हो सकता है आप लोग ने ऐसा वर्ड अभी तक नहीं पढ़ा हो जो कि आप बाद में पढ़ेंगे जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा। सो अगर एग्जांपल को देखते हैं, मैन मेन, फुट फिट, टूथ टिथ, वीमेन वीमेन। देखते हैं पहले एग्जांपल को, मैन MAN, मेन MEN। मैन यानी कि आदमी और मेन यानी कि बहुत सारे आदमी, तो ये जो MAN है उसका ए को रिप्लेस करके ई को बैठा देने से ही वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। MAN का प्लूरल फॉर्म होगा MEN। FOOT, फुट मतलब कि फुट मतलब कि पैर, और फीट मतलब बहुत सारे पाँव। तो इसमें भी जो इनसाइड वॉवल है डबल ओ, दो कॉन्सोनेंट के बीच एफ और टी जो है कॉन्सोनेंट है उसके बीच में वॉवल डबल ओ, वो चेंज होकर डबल ई हो गया है। और फिट, तो फुट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, फेट। उसी तरह टूथ मतलब दांत, टिथ मतलब बहुत सारे दांत, तो उसमें भी डबल ओ जो है डबल ई में टर्न हो गया है और वो प्लूरल फॉर्म हो गया है, मतलब इनसाइड वॉवल जो है चेंज होता जाएगा। उसी तरह वीमेन का वीमेन, डब्ल्यू ओ एम ए एन सिंगुलर है, डब्ल्यू ओ एम ई एन जो है प्लूरल है। वीमेन मतलब औरत, वीमेन मतलब बहुत सारी औरतें। रूल नंबर 9, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल फॉर्म उस वर्ड में एन ई या ई एन को ऐड करके बन जाता है। फॉर एग्जांपल, ब्रदर ब्रेथरेन, काउ काइन, चाइल्ड चिल्ड्रेन, ऑक्स ऑक्सेन। अब इस रूल में ये कन्फर्म नहीं रहता है कि उस वर्ड का जो मूल फॉर्म है, जो रूट वर्ड है, वो वाला चेंज होगा या नहीं। चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग के दो एग्जांपल में देखते हैं, ब्रदर जिसका स्पेलिंग है BROTHER, और उसका प्लूरल फॉर्म कैसे हो जाता है, BRETHREN। तो उसका जो रूट वर्ड है, मूल शब्द जो है, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, तब जाकर उसमें EN ऐड हुआ है और वो प्लूरल फॉर्म बन गया है। सेकंड एग्जांपल, काउ काइन, COW काउ मतलब गाय, KINE काइन, जो कि काउ का प्लूरल फॉर्म है। जो नेक्स्ट का दो एग्जांपल है, उसका जो रूट वर्ड है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, और उसमें ही उसी वर्ड में ई एन या एन ई को ऐड कर देने से उसका प्लूरल फॉर्म बन गया है। जैसे कि चाइल्ड चिल्ड्रेन, ऑक्स ऑक्सेन, CHILD चाइल्ड सिंगुलर, CHILDREN चिल्ड्रेन, जो कि प्लूरल फॉर्म है। उसी तरह ऑक्स मतलब बैल, OXEN ऑक्सेन मतलब बहुत सारे बैल। दोस्तों, मैं ऐसा करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई कन्फ्यूज़न ना हुआ हो। अब रूल नंबर 10, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स द प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड्स। कंपाउंड नाउन क्या होता है?
कंपाउंड नाउन मतलब होता है ऐसा नाउन जो एक या एक से अधिक वर्ड को जोड़कर बना हो, बस बट उसका मीनिंग जो है एक ही हो, उसका मीनिंग बहुत सारा नहीं होता है, एक ही मीनिंग होगा बट उसमें जो इंग्लिश वर्ड्स रहेंगे वो एक या एक से अधिक जुड़ जाते हैं, हाइफ़न लगाकर जुड़ जाता है। लेकिन मैंने क्या कहा है, उसका जो मीनिंग आएगा, हिंदी मीनिंग या बंगला मीनिंग, कोई भी मीनिंग, वो एक ही ठू रहता है, उसका दो चार ठू मीनिंग नहीं रहेगा। तो कोई भी कंपाउंड नाउन को जनरली प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए उसके प्रिंसिपल वर्ड में एक एस ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल वर्ड यानी जो कंपाउंड नाउन है उसका जो सबसे चीफ, सबसे मुख्य वर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है उसी में एस को ऐड कर दिया जाएगा और वो कंपाउंड नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर किसी भी नाउन में दो तीन वर्ड्स का एडिशन होता है और तब जाके वो एक कंपाउंड नाउन बनता है, एक कंपाउंड नाउन, तो इसका मतलब उसमें एक तो जो है प्रिंसिपल वर्ड होगा और बाद बाकी वर्ड जो होंगे वो उस वर्ड को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए वो सारे वर्ड्स होते हैं, जो कि उस वर्ड को समझने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा प्रिंसिपल है और कौन सा सबऑर्डिनेट यानी कि हेल्पिंग वर्ड है। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, स्टेप सन, स्टेप सन्स, हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। फादर इन लॉ में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है फादर है, जिसको प्लूरल बदलने के लिए फादर्स, अगर फादर में हम लोग सिर्फ एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। और जैसा कि मैंने कहा था इसमें सिर्फ तीन वर्ड है जिससे एक कंपाउंड नाउन बना है, लेकिन इसका मीनिंग जो आता है, जो हिंदी में हो या इंग्लिश में, बंगला में हो, एक ही होता है, वो है फादर इन लॉ मतलब ससुर, और फादर्स इन लॉ मतलब उसका प्लूरल फॉर्म। उसी तरह स्टेप सन में जो स्टेप है मतलब सौतेला और सन मतलब जो है पुत्र, तो उसका प्लूरल फॉर्म कैसे होगा, स्टेप सन्स मतलब बहुत सारे सौतेले पुत्र, और स्टेप सन मतलब सिर्फ एक ही सौतेला पुत्र। और ये याद रखने की बात है कि जब भी कोई कंपाउंड नाउन को हम लोग देखते हैं तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उस कंपाउंड नाउन में एक हाइफ़न ज़रूर रहता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है बट एक हाइफ़न ज़रूर रहता है और उसे समझ में आता है कि वो एक कंपाउंड नाउन है। सो हैंगर वन, इसका कैसे होगा प्लूरल फॉर्म, हैंगर्स वन, हैंगर्स ऑन, जो हैंगर्स है उसमें एस को ऐड कर देते हैं। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, जो कि इसका प्लूरल फॉर्म है, सिर्फ सर्वेंट में एस को ऐड कर देने से ही सर्वेंट्स हो जाता है। मेड सर्वेंट हम लोग जानते हैं मतलब नौकरानी, अब मेड सर्वेंट्स मतलब बहुत सारी नौकरानियाँ, यानी कि इस रूल में एस लगाने से ही वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है कोई भी सिंगुलर वर्ड। इसमें ई एस को कब लगाए और एस को कब लगाए ये सब झंझट नहीं है, जितना भी कंपाउंड नाउन मिलता है उसमें सिर्फ एस को ऐड कर दो और वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है, बहुत ही इजी रूल है ये। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, होप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का जो रूल है वो समझ में आया होगा। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।